तो क्या हाल है भाई सब लोगों के। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फुद्दू दिमाग पर। जो भी लोग नए हैं सारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें और शेयर करें और वीडियो एंड तक देखें। ये वाला वीडियो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ और अनबॉक्सिंग के वीडियोज़ पेंडिंग हैं, उन्हें मैंने होल्ड पर डाल के ये वीडियो बनाया है। मुझे पता चला कि पबजी हमारा बैन हो रहा है, कुछ दिन तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि यार सच में बैन हो सकता है क्या। अब जब ये खबर मुझे मिली यार, मतलब दिल ही टूट गया। सोचा मैंने कि ऐसा नहीं हो सकता है, पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा पबजी तो बैन हो ही गया है। अब पबजी जब बैन हुआ तो उसके बाद न्यूज़ पे मैंने कंफर्म किया कि हाँ सच में पबजी बैन हो गया है। अब पता है हमें कि पबजी हो गया है बैन। अब पबजी बैन होने के बाद एक और उम्मीद की किरण कह सकते हो, उम्मीद की किरण आई। अक्षय पाजी का मैंने ट्वीट देखा, क्या भाई अपना देसी फौजी आ रहा है, देसी पबजी रहेगा वो, उसका नाम है फौजी। उसका मैंने मतलब पोस्टर देखा, पर पोस्टर मुझे ऐसा लगा कि यार ये कहीं देखा हुआ सा है। एक कंपनी का उस पर लोगो बना हुआ था, एनकोर गेम्स करके है वो कंपनी। तो यार अब मैं क्यूरियस तो था कि क्या सच में फौजी आ रहा है, और अगर फौजी आ रहा है तो कैसा होगा, क्या वो पबजी को बीट कर पाएगा, क्या मुझे वही मज़ा आएगा, क्या हमें स्वदेशी गेम मिल जाएगा या क्या होगा। तो इसके ऊपर मैंने रिसर्च करी है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने ट्वीट देखने के बाद यार पता किया, थोड़ा बहुत रिसर्च किया, गूगल किया, तो मुझे पता चला कि यार ये एक और गेम है हमारा। उस गेम से रिलेटेड पोस्टर और इस गेम का पोस्टर सेम था, तो हमारा जो फौजी है उसका पोस्टर तो कॉपी निकला। पोस्टर मैं आप लोगों को स्क्रीन पर फ्लैश कर देता हूँ। उसके बाद जब मैंने पता किया कि यार ये कंपनी कौन सी है, तो मैं कंपनी के पास गया, और जैसा कि अक्षय पाजी ने ट्वीट में लिखा था कि 20% जो भी रेवेन्यू होगा वो चैरिटी में जाएगा, फौजी भाइयों के लिए जाएगा, और ये हमारा एक फौजियों के लिए ट्रिब्यूट टाइप का गेम होगा, और क्या ये पबजी का कॉपी होगा, और क्या इसमें जो लोकेशंस होंगी वो हमारी बॉर्डर्स की होंगी, क्या वो हमारी गलवान घाटी होगी, या फिर हमारी इंडो पाक की जो POK है वहाँ की बॉर्डर्स होंगी, या क्या होगा, ये देखना तो आगे ही चल के पता चलेगा हमें। और अगर आप लोगों को भी इस पर वीडियोस चाहिए तो कमेंट करिएगा, जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगी मैं आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूँगा। और इस अपडेट के बाद मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, एनकोर गेम्स की मैं वेबसाइट पर गया, उनका पार्टनरशिप में लिखा हुआ है रोवियो, और वेबसाइट पे तो मुझे एज सच कुछ खास मिला नहीं तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर उन्होंने कहा है कि अक्टूबर 2020 तक ये गेम लॉन्च हो जाएगा। तो यार दुआ करो कि ये गेम आ जाए, क्योंकि यही एक हमारी आखिरी होप है। और गेम तो खैर आना तो चाहिए क्योंकि पबजी लवर्स बहुत हैं, और यार जितने भी पबजी लवर्स हैं उन्हें तो अच्छा नहीं लगा, पर हमें देश का साथ देना है, देश के साथ खड़े रहना है, और हमारे देश का अगर वही गेम आता है तो ये पूरा का पूरा मार्केट हमारे देश में ही होगा, हमारी GDP बढ़ाएगा। तो उम्मीद तो यही है कि जल्दी आ जाए, बाकी मुझे एज सच कुछ खास मिला नहीं है अपडेट के कब आ रहा है कैसे आ रहा है, तो वेट करते हैं और देखते हैं कैसे आता है हमारा, क्या फौजी सच में आता है या नहीं आता है, या फौजी के अलावा कोई और गेम आने वाला है, या फिर हमें फ्री फायर जैसा गेम खेल के टाइम वेस्ट करना पड़ेगा या टाइम पास करना पड़ेगा कह सकते हो। तो अब देख लेते हैं, और ये वीडियो अगर पसंद आई हो आप लोगों को तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल की फैमिली को बढ़ाएं और हमारी फैमिली में जुड़िए, और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, और स्टे होम स्टे सेफ़।